यहाँ पे हम चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर में आ गया? 9C में। तो भाई यहाँ पे अमृतसरी कुलचे बनते हैं, तो आपको दिखाते हैं। आलू वाला कुलचा बनने लग रहा है हमारे लिए। ठीक है, ये क्या आ गया सबसे पहले? आलू आ गया। ठीक है, बस आप भर भर के रखते हो इनको, है? ठीक है, कितने टाइम से बिक रहे हैं यहाँ पे कुलचे, बताओगे थोड़ा सा? ये तो बहुत टाइम से, 10-12 साल से। भाई साहब ये देखो, तीन जने जो है वो कुलचे भरने में ही है यहाँ पे। ये लो भाई, चेक करो एकदम, एकदम मतलब बढ़िया से यहाँ पे भरते रहते हैं। और कौन सा कुलचा रहता है यहाँ पे, एक बार बताओगे आप? वैरायटी तो इसमें 42 है। 42 वैरायटी है, बताओ जरा जितनी बता सकते हो आप। इसमें तो गोभी भी है, मिक्स वेज भी है, मशरूम भी है। अच्छा, आलू गार्लिक है, आलू सबसे ज्यादा ये बिकता है, आलू वाला। हाँ जी, ठीक है, तो यही लगेगा हमारे लिए। तो रनिंग है, चलती है। तो भाई सबसे ज्यादा जो है ना यहाँ पे आलू वाला ही लग रहा है, और इसका प्राइस 100 रुपीज है। हाँ जी, ठीक है। तो भाई 2 रुपए इस कुलचे का प्राइस है, और फीलिंग भी देखो कितनी एकदम भर भर के डाल रहे हैं बढ़िया से, मतलब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई इतनी जल्दी से काम हो रहा है, देखना कि पेड़ी पे पेड़ी लग गई और हमें पता भी नहीं चला एकदम से। और ये बनने के बाद इसके बाद भी इस साइड पे चली जाएंगी, ठीक है, और फिर यहाँ पे लगेंगी, है ठीक है। फिर यहाँ पे भाई इनको अंदर तंदूर में लगाया जाएगा कुलचा बनने के बाद, क्या बात है। इस साइड देख लो, इस साइड इनका जो है तंदूर है, और यहाँ पे कुलचे लगाए जा रहे हैं। आवाज़ सुन सकते हो आप, कितनी ज़बरदस्त आ रही है भैया। कितने कुलचे लगा देते हो एक दिन में, सुबह से शाम तक? कोई गिनती नहीं भैया, एक अंदाजा तो हो ही गया होगा, 500-600 कितने प्लस ही है इनसे। इतने लगा देते हो इनसे? प्लस ही है, प्लस ही है, हजारों में लग जाते होंगे लगभग। भाई साहब हजारों कुलचे लगते हैं भाई यहाँ पे रोज के। सबसे ज्यादा कौन सा, आलू वाला? सबसे ज्यादा आलू, प्याज, पनीर, गोभी, मिक्स वेज। अच्छा, ये चले उठते हैं। कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ पे कुलचे? 7-8 साल हो गए भैया। 7-8 साल हो चुके हैं आपको, और दुकान कितनी पुरानी आई है? ये 2010 से जी। 2010 से दुकान है, क्या बात है भाई साहब। ये लो भाई साहब, ये चेक करो, क्या बात है, एकदम बहुत जबरदस्त भाई साहब। एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक कुलचे लगते जा रहे हैं भैया। एक बार एक उधर लगा दो, उस साइड लगा दो, ठीक है? वो ले भाई साहब, चेक करो, वो लगा दिया अंदर, और इसमें सारे में तंदूर में लगे हुए हैं। हाँ जी, एक बार देखो भाई साहब, ये चेक करो, इधर सारे में कुलचे कुलचे लगे हुए हैं भैया। एक बार ये बताना कितना टाइम लगता है कुलचे को तैयार होने में? एक कुलचे को बेक होने में कम से कम लगता है 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में बढ़िया हो जाता है कुलचा। हाँ जी, पकने पकने को 5-7 मिनट दिए, बाकी ऐसे जो टाइमिंग है हमारा 10-15 मिनट लगता है जी। अच्छा, पीछे से और आगे सारा अपना टॉपिंग वगैरह, ठीक है, सारा कुछ। तो मतलब एक कस्टमर अगर एक कुलचा मांगे कितना वेट करना पड़ता है? कम से कम 20-25 मिनट। 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा एक कुलचा का? संडे शनिवार को घंटा हो जाता है भैया। अच्छा जी, 40-40 मिनट लग जाते हमारे लिए, प्लेट लगाओ फिर बैठो आप, बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सर, करो, ये कुलचे जो है बाहर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, पूरा तकड़ा क्रेज है, पूरा क्राउड है यहाँ पे देख लो, इनके वर्कर्स इतने सारे। तो भाई चेक करो एकदम, इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? बटर लगाया जाएगा, बटर लगाया जाएगा, लगा के दिखाओ। ये हमारा ही है। हाँ। अच्छा, ये मतलब एक्स्ट्रा बटर डाला जैसे आपने, ये अच्छा, ये चूर चूर है भाई, ये इनका चूर चूर है, क्या बात है। ऐसे कस्टमर के पास जाएगा चूर चूर वाला, ब्रश होके जाएगा। तो भैया चूर चूर वाले का क्या प्राइस रहने वाला? 120 रुपए चूर चूर वाला। चूर चूर 120 रुपए का, नॉर्मल 100 रुपए का। स्टार्टिंग है मतलब, और सबसे महंगा कितने का? 200 रुपए का। कौन सा है वो? जम्बो कुलचा। वो 2 फुट का होता है, लंबा भैया। एक कुलचा का आलू वाला लगा हुआ है, निकालना जरा, उस पे लगाना प्लेट वगैरह करो। ये कुलचा निकालना हमारा, 5-7 मिनट वेट करना पड़ा हमें इसके लिए यहाँ पे। ये लो भाई, ये अपना ही है भैया? हाँ जी, 7-8 घंटा वेट करना पड़ता है। 1 घंटा भाई साहब वेट करना पड़ा इस कुलचे के लिए। ये देखो भाई, एक के बाद एक, और एकदम गरम गरम है, और खुशबू जो आ रही है ना भाई साहब, मजा आ रहा है एकदम से।
ने, और भाई फूल रहे हैं कुलचे कितने जबरदस्त लग रहे हैं देखने। क्या बात है भाई, चूर चूर वाले भी इनके हॉट सेलिंग पे हैं, आलू वाले भी, सभी भाई सभी इनके एकदम हॉट सेलिंग है। क्या बात है भाई, ये देखो ये है घी। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। और साथ में मिलेगा अमूल का, क्या बात है भाई साहब। ये इधर प्लेट लगने लगी है, ये इनकी भैया ये सब्जी चला के दिखाना जरा। ये लो भाई, ये इनके चेक करो, ये इनके छोले। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, एकदम गाढ़े गाढ़े से हैं। इनका क्या देना था, डालो एक छोला डालें। ये आ गए भाई इनके छोले, इनका बेटे इनका सर का। और ये आ गई चटनी है जी, चटनी। ये आ गई भाई साहब इनकी चटनी, क्या बात है। अमृतसरी चटनी और अमृतसरी छोले होते हैं ये। क्या बात है भाई साहब, अमूल बटर तो ये 100 रुपए में अमूल बटर देते हो साथ में, इसका तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? भैया तो भैया ये बता दीजिए, और जो बंदों को खाने आना है कुलचा कहाँ पे खाने आना पड़ेगा? सेक्टर 9C चंडीगढ़, नियर बाई सिडको पेट्रोल पंप के बैक साइड। अच्छा, और इसका क्या बोलते हैं टाइमिंग वगैरह क्या रहती है? मॉर्निंग टाइम 9:30 है। अच्छा। और रात को 10:30 क्लोज है, बट अभी सर्दी में थोड़ा टाइम चेंज करेंगे तो मॉर्निंग 9:30 ओपन होगा, रात को 8:30 क्लोज होगा। वो उसके लिए हम यूट्यूब पे डलवा देंगे कोई ना कोई अपना अपने यूट्यूब से। ये लो भाई साहब, ये आ चुका है हमारा कुलचा। तो भाई साहब कुलचा बन चुका है, सबसे पहले कुलचा देख लो इनका अंदर से। सबसे पहले इसकी वही दिखा देते हैं कैसी फीलिंग है, क्रिस्पी तो हो रहा है पूरा एकदम गजब। साथ में इन्होंने दिया अमूल बटर, बटर लगा ले, बटर पर पिघल चुका है बिल्कुल भाई, बटर लगा लेंगे थोड़ा सा। एक बाइट चनों के साथ टेस्ट करके आपको बताते हैं कि खाने में कैसी है, ठीक है। मज़ा आया भाई खा के, पर हाँ अमृतसर तो मिस ही होगा, क्योंकि जो चीज़ अमृतसर में मिल जाएगी वो तो यहाँ पे मिलनी बहुत ही मुश्किल है। मज़ा आया खा के, बढ़िया है। हम देंगे इसको 5 में से 5 नंबर, चंडीगढ़ के हिसाब से बहुत बढ़िया है। प्राइस है इसका 100 रुपये, पर टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग आके ट्राई कर सकते हो। छोले तो रिफिल भी करवा सकते हो, छोले भी बढ़िया लगे हमें खाने में, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा प्राइस ले रहे हैं वैसी चीज़ आपको दे रहे हैं, जैसा प्राइस दे रहे हैं ना आपको वैसी चीज़ भी दे रहे हैं जैसा प्राइस ले रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, पेज पर नए हो तो फॉलो या सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बढ़िया फूड के साथ।